भारत चीन को दूसरा झटका देने के लिए तैयार है, पहले एप्पल और अब टेस्ला। इन दोनों अमेरिकन कंपनी ने वैसे तो चीन के साथ काफी लंबे वक्त तक काम किया। चीन की इकोनॉमी और रोजगार दोनों को इनकी वजह से काफी रफ्तार मिली, मगर चीन की दखलअंदाजी और गलत पॉलिसी की वजह से पहले एप्पल ने उससे किनारा कसा और अब टेस्ला को भी भारत चीन से बहुत जल्द छीन लेगा। ऐसी खबरें हैं कि जनवरी 2024 तक टेस्ला को भारत में मंजूरी मिल जाएगी। भारत की बढ़ती मार्केट को देखते हुए एलन मस्क की तरफ से टेस्ला को देश में लाने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं। सरकारी विभाग जनवरी 2024 तक सभी मंजूरी देने के लिए काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक पीएम कार्यालय ने टेस्ला के निवेश प्रस्ताव सहित देश में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग के अगले फेज का जायजा लेने के लिए बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वहीं एक बड़े अधिकारी ने बताया है कि मीटिंग का एजेंडा सामान्य नीतिगत मामलों पर केंद्रित था, लेकिन देश में टेस्ला के प्रस्तावित निवेश को जनवरी 2024 तक तेजी से मंजूरी देने की बात कही गई। बता दें, इसी साल जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे उस वक्त एलन मस्क भी उनसे मिलने पहुंचे थे। तभी ऐसा अनुमान लगाया गया था कि बहुत जल्द टेस्ला की भारत में एंट्री हो सकती है। वहीं टेस्ला के सीनियर अधिकारियों ने भी भारत में कार और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेकर सरकार की योजना पर चर्चा की। खबर है कि सरकारी विभागों को टेस्ला के साथ किसी भी तरह के मतभेद को दूर करने के लिए कहा गया है। बता दें, कुछ वक्त पहले टेस्ला का भारत के साथ इंपोर्ट शुल्क को लेकर कुछ मतभेद हुआ था। टेस्ला ने पहले पूरी तरह से असेंबल की गई इलेक्ट्रिक कारों पर 40% इंपोर्ट शुल्क लगाने की मांग की थी, जबकि मौजूदा दर $40,000 से कम कीमत वाले गाड़ियों पर 60% और इससे अधिक कीमत वाली गाड़ियों पर 100% है। अब क्योंकि भारत की सीमा शुल्क व्यवस्था इलेक्ट्रिक कारों और हाइड्रोकार्बन पर चलने वाली कारों के बीच अंतर नहीं करती है, टेस्ला कंपनी चाहती थी कि उसकी कारों को लग्जरी कार नहीं बल्कि ईवी माना जाए। हाई चार्ज टेस्ला और भारत सरकार के बीच यही विवाद का विषय रहा, मगर चीजें अब सुलझती दिख रही हैं। सब कुछ ठीक रहा तो भारत की सड़कों पर बहुत जल्द टेस्ला की कारें दौड़ेंगी। लेकिन एक बात ये भी है कि टेस्ला के भारत आने से चीन को बड़ा झटका लगेगा। चीन में लगातार टेस्ला की सेल कम होती जा रही है। चीन ने कई बार इसकी कीमतों में कटौती भी की, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ, और यही वजह भी है कि चीन के बाद अब टेस्ला भारत में अपना मार्केट बनाना चाहता है। खैर, इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।